अब हम आपको प्रांगण का दृश्य दिखाते हैं। देखिए यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया, ये नीम के पौधे लगे हैं, इधर देखिए लाइन से 1, 2, 3, 4 और इधर भी आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये 10 नीम के पौधे लगे हैं। अमृत भवन के सामने कई एक पौधे हैं और यहाँ पर जो है लॉकर है, लॉकर मोबाइल रखने के लिए, और पीछे ये भारत माता की प्रतिमा है, ये भारत माता की जय, और उसके पीछे ये मंदिर अभी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। पहले आपको लॉकर का दृश्य दिखा दें, ये आपकी सुविधा के लिए है, जो आप आएंगे तो लॉकर में मोबाइल कैसे रखते हैं भैया, ये निशुल्क सुविधा है मोबाइल की, तो ये लॉकर की सुविधा जो है ये निशुल्क है। ये देखिए इतने सारे लॉकर हैं, पूरा लॉकर ही लॉकर बने हुए हैं, कोई कमी नहीं है, तो आप आएँ तो यहाँ जो है निःशुल्क सुविधा इसको लें। और देखिए यहाँ नोटिस लगी हुई है, भक्तों को मंदिर परिसर में सेल फोन, कैमरा, सिगरेट और लाइटर ले जाने की अनुमति नहीं है, और इसमें लिखा है ओनली मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेंस एंड कॉस्मेटिक आइटम्स विल बी स्टोर्ड इन द लॉकर। तो लॉकर में ये चीज़ें रखी जाएंगी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेन, कॉस्मेटिक आइटम, ये सब आप यहाँ रख के जा सकते हैं। और ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, लॉकर में केवल मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेन और कॉस्मेटिक आइटम ही जमा होंगे। तो ये लॉकर का दृश्य हमने आपको दिखाया, और लॉकर में देखिए रख के दर्शन हेतु जा सकते हैं। लॉकर की चाबी आपको दे दी जाती है लॉकर बंद करके, और ये अब मंदिर, एक जो भारत माता की प्रतिमा पीछे मंदिर है, हम उधर जा रहे हैं। नीम के पेड़ आप देख सकते हैं, 10 नीम के पेड़ हमने आपको गिनवाए थे जो यहाँ लगे हैं प्रांगण में। और ये भगवान सूर्य देखिए पीछे उदय हो गए और ऊपर आ गए, मंदिर के बाएं तरफ आप देखेंगे, देखिए इधर सूर्य भगवान का उदय, तो आप देख सकते हैं सूर्य भगवान का उदय। और ये हम जा रहे हैं भारत माता की प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से, और इस प्रतिमा के पार्श्व में जो मंदिर है देखिए, इसका मंदिर का नाम है भारत माता की प्रतिमा, ये सामने देखिए नक्शा है, भारत माता का नक्शा है, हाँ ये देखिए श्री मानधातेश्वर महादेव मंदिर, गंगा तट से श्री काशीनाथ धाम में आने पर यह मंदिर मुख्य मार्ग में स्थित है, चतुष्कोणीय परिधि पर पंचशिखर, यह मंदिर वाराणसी में अत्यंत ख्याति प्राप्त है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की स्थापना राजा मानधाता द्वारा की गई थी, जिसके कारण इसका नाम मानधातेश्वर पड़ा। उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर भव्य रूप दिया गया है। इस मंदिर का उल्लेख काशी कुंड में भी है, और एक ट्रैक्टर जा रहा है, अभी यहाँ काम चल रहा है तो ट्रैक्टर भी यूज हो रहे हैं, तो ट्रैक्टर काम में लगा हुआ है। और पीछे इसके सोमनाथ भवन आप देख सकते हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, वेरावल ज़िले में, बहुत ही भव्य मंदिर वहाँ बना है। भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका पुनरुद्धार कराया था, वहाँ भी आप अवश्य जाएँ उसको देखें, हर हर महादेव। और ये आपको हम दर्शन करा रहे हैं श्री मानधातेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब ये मंदिर की परिक्रमा हम करते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इधर त्र्यंबकेश्वर भवनम दिखा रहे हैं कि है बाएं तरफ, हम जाते हैं उधर आपको दिखाएंगे। देखिए सूर्य भगवान पूरी तरह ऊपर आ गए हैं, और ये ऊपर के स्तर से जो मंदिर चौक का प्रवेश द्वार था, उस प्लेटफार्म वहाँ पर खड़े होकर आपको ये हम गंगा द्वार दिखा रहे हैं, ये गंगा द्वार हो गया, और इधर भगवान भास्कर,
तो ये भव्य स्वरूप आप देख सकते हैं। और हम और नीचे जाते हैं, और नीचे के स्तर पर त्र्यंबकेश्वर महादेव, उनका हम दर्शन आपको कराते हैं। बल्कि भवन है ये, त्र्यंबकेश्वर भवन है, भवन का दर्शन हम आपको कराते हैं। ये देखिए, ये आ गया त्र्यंबकेश्वर भवन। त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी, और नासिक ज़िले में है, वहाँ भी आपको अवश्य जाना चाहिए, देखने लायक है त्र्यंबकेश्वर भवन। और ये वापस जो एस्केलेटर 44 सीढ़ियाँ, उनका दृश्य आपको फिर से दिखा रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की है। तो ये था आपके लिए लाइव शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग से, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर फेज 2 का विवरण। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छा दृश्य देखते रहिए। वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए अगर अच्छे लगे तो, और कमेंट करिए, शेयर करिए। तो हम चलते हैं अगली यात्रा पर। हर हर महादेव। हम ऊंचाई से आपको वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ पर कभी सीवेज टंकी थी। ये देखिए, अभी समतल हो चुका है, मलबा भी हटाया जा चुका है, टंकी को ध्वस्त करने के बाद मलबा भी हटाया जा चुका है, और ये RCC से इसको पक्का समतल बेस बना दिया गया है। तो अत्यंत भव्य रूप इस धाम कॉरिडोर द्वार का देखने को मिल रहा है। और दूर में देखिए माँ गंगा का और चंद्रा का रूप आप देख सकते हैं। देखिए वहाँ से माँ गंगा चल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये अर्धचंद्राकार रूप। तो ये बड़ी एक अद्भुत चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ से जो ललिता घाट से गंगा द्वार है श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर फेज 2 का, तो यहाँ पे आपको माँ गंगा का जो अर्धचंद्राकार रूप है वो भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये अद्भुत है। और दूर में देखिए सामने घाट का पुल जो नया बना है, वो दूर में सामने घाट का पुल है, और वहाँ से माँ गंगा ये आई घाटों में, बनारस के अर्धचंद्राकार रूप यहाँ से इनका हुआ, और ये आगे इधर गई, और बाएं तरफ देखिए ये पूरब दिशा, वहाँ से भगवान सूर्य का उदय, और उसके आगे आपको राजघाट का पुल दिखेगा। हम आपको वहाँ का भी दृश्य दिखा देते हैं, अभी हम नीचे जाएंगे तो दिखेगा। अभी ये रैंप, ये रैंप है देखिए, तो रैंप के पीछे अभी फ़िलहाल राजघाट का पुल जो छुप गया, अब देखिए दिखने लगा। यहाँ से आप देख सकते हैं राजघाट का पुल, अभी आपको दिख रहा है, ये देखिए राजघाट का पुल। और नीचे चलते हैं, ये देखिए राजघाट का पुल। और नीचे देखिए, ये राजघाट का पुल हो गया। और राजघाट पुल के बाजू में परली साइड में खिड़किया घाट बना है, जो वाराणसी का स्मार्ट घाट है, अत्याधुनिक स्मार्ट घाट, और हमारे चैनल पर वो भी ब्लॉग उपलब्ध है खिड़किया घाट का, उसको ज़रूर देखें और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठाएं और अपना आने का कार्यक्रम वहाँ बनाएँ। क्योंकि ये घाट ऐसा है जिसको मल्टी मॉडल घाट बनाया गया है, वहाँ जल थल और नभ तीनों से कनेक्टिविटी है। जल से तो ये माँ गंगा से नावें देखिए जाती हैं, वहाँ पे आपको खिड़किया घाट ले जाएंगी, और थल में वहाँ पे रेलवे लाइन बगल में काशी स्टेशन की है, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं, और सड़क भी गई है, तो थल के ये दो माध्यम हो गए। और नभ से हेलीकॉप्टर आएंगे, दो हेलीकॉप्टर उतरने और उड़ने की सुविधा वाला वहाँ हेलीपैड बनाया जा रहा है, हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। तो खिड़किया घाट ज़रूर देखें, राजघाट के परली तरफ। हर हर महादेव।